और क्या चल रहा है भाई साहब? फॉग चल रहा है। इस एक लाइन की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू? इस एक लाइन के पीछे हुई है 1000 करोड़ की सेल्स, 9000 करोड़ का वैल्यूएशन। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, रेमंड जैसी बड़ी कंपनियों को दी पटकनी और मार्केट में बन गए नंबर वन। ये कहानी है फॉग की। जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। और सबसे गर्व की बात, ये कोई विदेशी MNC कंपनी की कहानी नहीं है, यह है शुद्ध देसी भारतीय गुजराती बिजनेसमैन की कहानी, दर्शन पटेल की कहानी। ये वो आदमी है जो ब्रांड बनाना जिसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मूव, क्रैक, इजगार्ड, रिंगार्ड, डीकोल टोटल, डर्मीकूल सब बना चुके हैं भाई साहब ये। तो हमारी जो इंडियन बिजनेस हीरो की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बालाजी वेफर, संजीव जुनेजा, डॉक्टर ऑर्थो, केश किंग, जीरोधा सब कवर कर चुके हैं, उस कड़ी का लेटेस्ट वीडियो है। और आपको एक बात बताऊं, ये नॉर्मल वीडियो नहीं है। 2 साल के मार्केटिंग MBA में जो नहीं सीखते ना, वो अगले 10 मिनट में सीखने वाले हो। तो वीडियो तो गलती से स्किप ही मत कर देना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करें वीडियो की शुरुआत। फॉग प्रोडक्ट है विनी कॉस्मेटिक्स का, जिसकी शुरुआत की दर्शन पटेल ने 2009 में। पर 2009 से पहले ये क्या करते थे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के चक्कर में 2009 वाला काम हुआ है। 1980s के आसपास एक कंपनी की शुरुआत हुई, पारस फार्मास्यूटिकल। ये एक फैमिली बिजनेस था जिसमें दर्शन पटेल जी अपने 2 भाइयों के साथ मिलके ये बिजनेस किया करते थे। 1985 के आसपास इस कंपनी का टर्नओवर था मात्र 40 लाख रुपए, लेकिन उसके बाद इन्होंने दनादन एक के बाद एक के बाद एक 15 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए। उनमें से कुछ टॉप प्रोडक्ट ये हैं, क्रैक, मूव, इजगार्ड, रिंग गार्ड, डिकोल टोटल, डर्मीकूल। इन सभी प्रोडक्ट को अगर आप गौर से देखो तो इसमें खास बात क्या है, ये कैटेगरी लीडर है। कैटेगरी लीडर मतलब ये ऐसा नहीं है कि इस तरह के 100 प्रोडक्ट ऑलरेडी थे, इन्होंने 101 वा लॉन्च किया, नहीं, इन्होंने अपनी तरह का पहला ही प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्रैक क्रीम से पहले ऐसी कोई क्रीम नहीं थी जो फटी एडिया ठीक करती हो। डर्मीकूल से पहले ऐसा कोई पाउडर ही नहीं था जो ठंडक देता हो। इजगार्ड से पहले कोई क्रीम ही नहीं थी जो खुजली ठीक करती हो। हर चीज अपने आप में यूनिक और पहली थी। अच्छा, इनके सक्सेस के पीछे 3 चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। एक तो सबकी पैकेजिंग बहुत जोरदार थी। अगर आप इनकी पैकेजिंग देखोगे तो इनका जो नाम जिस तरह का है और जो फोटोज जिस तरह की है वो सीधा बता देती है कि हम क्या काम करते हैं। दूसरा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सॉलिड था, हर जगह इनकी अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती थी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने इसको पॉपुलर बनाया, उनकी मार्केटिंग। आप याद करो डर्मीकूल का एड, एड देख के 1 मिनट में क्लियर हो जाता है ये प्रोडक्ट क्या करता है और तुरंत उपाय करता है। इजगार्ड का एड देख के आपको तुरंत क्लियर हो जाता है ये किस काम आती है। क्रैक क्रीम भी तुरंत एड क्लियर करती है। तो ये मस्त पैकेजिंग, मस्त डिस्ट्रीब्यूशन और उससे भी मस्त मार्केटिंग करने वाले, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे दर्शन पटेल जी। और ऐसे करते करते 2002 तक कंपनी का टर्नओवर पहुंच गया 200 करोड़। लेकिन भाई साहब, परिवार है जहां फैमिली बिजनेस लंबा चलता है, कुछ ना खटपट खटपट हो जाती है। तो 2006 के आसपास दर्शन पटेल जी उस पारस फार्मास्यूटिकल से अलग हो गए। उन्होंने अपना 30% स्टेक जो था वो बेच दिया, $43 मिलियन, जो उस हिसाब के लगभग हो गए 200 करोड़ के आसपास। अच्छा, इनके जाने के बाद वो कंपनी ज्यादा लंबी चली भी नहीं। पारस फार्मा को खरीद लिया रैकेट बैंकाइजर ने और उसके कुछ पोर्टफोलियो को खरीद लिया मैरिको ने। तो रैकेट बैंकाइजर कंपनी के पास इनका मूव, क्रैक, डीकोल टोटल इनके पास रह गया। और ये रैकेट बैंकाइजर से मैरिको जो पैराशूट बनाती है उसने खरीद लिया सेटवेट, लिवन और जेटेक को। तो ये तो था हमारे दर्शन पटेल जी का पास्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, भैया फॉग को बनाया तो बनाया कैसे। देखो 2006 में आपके पास अगर 200 करोड़ रुपए हैं तो भैया आपकी जिंदगी सेट है, कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। पर इनको किसी ने कहा, देख भाई तू खाली मत बैठ, तेरे को भगवान ने बहुत शानदार दिमाग दिया है, तू हर साल 2 साल में नया नया प्रोडक्ट लेके आता है, जनता की सेवा होती है, तू क्यों रुका हुआ है, कुछ तो कर। तो 2 साल के बाद इन्होंने रिसर्च करके 2009 में कंपनी डाली विनी कॉस्मेटिक और कहा इसमें कुछ लॉन्च करेंगे। कुछ क्या था उसकी रिसर्च में इनको 2 साल और लगे। अब इन्होंने कहा कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, बोले फार्मा वाली बातें तो वहां छोड़ देते हैं, कुछ नया हटके लॉन्च करते हैं। तो हटके क्या लॉन्च किया जाए, तो इन्होंने कहा यार देखो एक काम करते हैं, आज की रेट में ये इत्र का परफ्यूम का धंधा बहुत चल रहा है, 2000 के आसपास से बहुत उठने लगा था, यूथ यही ज्यादा काम में लेता था। तो उन्होंने कहा चलो क्यों ना इस मार्केट में घुसे। पर इस मार्केट में ऑलरेडी लीडर बैठे हुए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लेके बैठा था एक्स, रेमंड का आता था पार्क एवेन्यू, उसके बाद ITC लेके बैठा था इंगेज। तो बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े ब्रांड लेके बैठे हैं, ऐसे मार्केट में घुसना बड़ी टास्क थी। लेकिन उन्होंने कहा भैया हमको पुराना एक्सपीरियंस है, घुस के देखते हैं। और उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया फॉग नहीं, इन्होंने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जेनेसिस 18, और उस प्रोडक्ट का नाम था 18 प्लस नाम से एक प्रोडक्ट आया और वो हो गया फेल। अब बताओ आदमी का मोरल डाउन हो जाता है कि यार पहले इतना खतरनाक कंपटीशन था और 4 साल के वेट के बाद कुछ लॉन्च किया वो भी फेल, पर हार नहीं मानी, यही तो बात है पटेल जी की। उन्होंने रिसर्च किया भैया फेल कैसे हो गया, बात क्या हो गई। तो लोगों ने कहा देखो जी खुशबू तो है आपकी जोरदार,
उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन खुशबू तो सभी दे रहे हैं, उसमें नई बात बताओ कोई। दूसरी बात कि सर जी ऐसा है, देखो डीओ में सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है कि बोतल है ना फुसफुस गैस 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 निकलती है, और एक बोतल लेते हैं 200 रुपए की 250 रुपए की और बोतल खत्म हो जाती है 10-15 दिन में ही। इन्होंने ये फीडबैक लेके कहा कि चलो ये वाली प्रॉब्लम मैं दूर करता हूं और तुम्हें खुशबू के अलावा भी कुछ चाहिए मैं दूंगा। उसके बाद इन्होंने दोबारा रिसर्च में लगे और एक जबरदस्त प्रोडक्ट निकाल के लाए, उसका नाम था फॉग। सर इसका नाम फॉग क्यों रखा, उनको कोहरे से प्यार था? नहीं भाई साहब, फॉग की फुल फॉर्म है फ्रेग्रेंस ऑफ गुड गाइज एंड गर्ल्स, अच्छे लड़के और लड़कियों की सुगंध। फॉग लॉन्च हुआ दिसंबर 2011 में और 2-3 सालों के अंदर तो भैया मार्केट लीडर बन गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी पीछे छूट गया, ये ITC इंगे रेमंड सब देखते ही रह गए। आखिर किया क्या, चार स्ट्रेटजी फॉलो की, ध्यान से सुनना एक एक करके, मिनी MBA है। पहली USP, यूनिक पोजिशनिंग। ये क्या होता है साहब, यूनिक पोजिशन का मतलब उस समय के आप एड देखो, उस समय वैसे डीओ होता है यूनिसेक्स, इसका मतलब डीओ मेल फीमेल दोनों काम में ले सकते हैं, पर उस समय जितने भी डीओ बेच रहे थे सबका एक ही था कि भैया ये जो डीओ है तो लड़के खरीदते हैं और इनका से एकमात्र उद्देश्य है लड़कियां पटाना, और तुम एक्स का परफ्यूम लगाओगे तो भाई साहब लड़कियां बरसती चलती आएगी, भागती आएगी। आपका जो सेटवेट जेल है वो कहता है वेरी वेरी सेक्सी। वाइल्ड स्टोन का एड है वर्ल्ड बाय नेचर। इन तीनों कंपनियों के गूगल पे जाके ऐड देखोगे, उस समय ये ऐड फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, ऐसे ऐसे ऐड आते थे। आप कहीं वीडियो पॉज करके ऐड देखने में चल जाना, यहीं रुको। तो दर्शन पटेल ने कहा देखो जी ऐसा है, सारे के सारे लोग डीओ में एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह के ऐड दिखा रहे हैं, और अब तक लड़कों को 10-15 डब्बियां खाली करके समझ आ चुका कि आती तो नहीं है। तो इन्होंने कहा देखो फॉग है ना लड़की वड़की अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये तो क्या लंबा चलता है, बढ़िया खुशबू देता है, ये एक बार में 800 स्प्रे देता है, और जो तुम्हारी बोतल 10 दिन में खत्म हो रही है ये चलेगी 20 दिन, खुशबू देगा बढ़िया। तो भैया हम तो लड़की लड़की की बात ही नहीं कर रहे, तो एकदम इसने कहा कि तुम करो लड़कियों की बातें, हम तो वैल्यू फॉर मनी बोल रहे हैं कि सस्ता है और अच्छा है, आ जाओ। तो एकदम सी इतनी भीड़ में जब किसी ने अलग बात कही अपने आप ही नजर चला गई। स्ट्रेटजी नंबर 2, इन्होंने मार्केटिंग में यूनिक पोजीशनिंग पकड़ी, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को भी यूनिक किया। देखो जितने भी परफ्यूम उस समय बाजार में थे वो थे गैस बेस्ड, मतलब उसके अंदर परफ्यूम होता था लेकिन गैस के साथ निकलता था, जब आप दबाओगे तो गैस निकलेगी और गैस के साथ निकलेगा। अब आपने वो किया, वो गैस बहुत सारी निकली पर आपको लगा जो अंदर का माल है ना असली वो तो जरा सा ही लगा, तो तुम दोबारा मारते हो, तिबारा मारते हो, ऐसे मार मार के पूरी बोतल खाली कर देते हो और जल्दी खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं एरोसेल टाइप स्प्रे। इसने लॉन्च किया नॉन एरोसेल स्प्रे, वो बोलता है इसमें भैया वो निकलती नहीं गैस, इसमें तो सीधा दबाओ और सीधा मिस्ट ही निकलेगा, जो अंदर की चीज है वो सीधी वही निकलेगी, गैस है ही नहीं। तो इसने इसको प्रचारित भी ऐसे किया कि भैया इसमें गैस नहीं है, असली माल निकलता है। तो ये भी अपने आप में यूनिक, तो प्रोडक्ट भी यूनिक बन गया और उसकी पोजिशनिंग भी यूनिक हो गई। तीसरी चीज यूनिक क्या की, मार्केटिंग। और मार्केटिंग पे दर्शन भाई का कितना ध्यान है इस बात से समझना, पारस फार्मा में बाकी भाई दूसरी चीज देखते थे, ये सिर्फ मार्केटिंग देखते थे। इन्होंने कहा मुझे मार्केटिंग ही पसंद है, बाकी चीज में दिमाग क्यों लगाऊं, तो फॉग की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी। नॉर्मली कहते हैं प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, मार्केटिंग कहीं और से करा लेते हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ा कहीं और से लेते हैं, मैं तो मार्केटिंग ही करूंगा। फिर इस एड को गौर से देखना जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें इन्होंने दो ग्लास रखे और ग्लास में एक तरफ स्प्रे वाला रखा और एक तरफ वो रखा, देखा देखो इसमें एक्चुअली माल आता है, ये प्रूव और कर दिया। और ये मार्केटिंग में इस बात के खिलाड़ी है, एक मिनट में प्रूव कर देते हैं कि भैया मेरा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। उसके बाद इन्होंने HUL जो एडवर्टाइजिंग के लिए जाना जाता है कि बहुत पैसे खर्च करता है, उससे भी 20% ज्यादा एडवर्टाइजिंग में पैसा डाला, क्योंकि इनको पता था एडवर्टाइजिंग तो इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं वापस आएगा। और ये जब मार्केट सर्वे करने गए फॉग के लॉन्च होने के बाद, तो बाजार में गए कि भैया आजकल क्या चल रहा है, तो बोले भाई साहब आजकल तो आपका फॉग ही चल रहा है। तो बोले मैं 10 दुकान पे गया, 10 में से 7 बोले फॉग चल रहा है। तो इसने कहा अगर मेरी चीज इतनी चल रही है तो ये तो दुनिया को बताना बनता है। तो इन्होंने उसी पे एड लॉन्च कर दिया, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। और क्या चल रहा है, और फॉग ही चल रहा है। चौथी चीज जो इन्हें यूनिक और बेस्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी प्रोडक्ट को रिटेल में स्पेशली FMCG में 3 चीज काम करती है, अवेलेबिलिटी, एक्सेस और अवेयरनेस। तो मार्केटिंग अवेयर कर देती है देखो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बाजार में है, लेकिन वो आपकी एक्सेस में आपकी पहुंच में होना जरूरी है और वो अवेलेबल भी होना जरूरी है। आपने टीवी पे ऐड देखा क्या मस्त चीजें लेने के दुकान पे मिली नहीं, तो फिर क्या मतलब इसी चीज का। तो इन्होंने कहा भैया मार्केटिंग पे ऐड तो कर रहा हूं लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये एक रूल फॉलो करते हैं, टू शॉप रूल। टू शॉप रूल क्या कहता है, ये कहता है आप एक प्रोडक्ट को लेने की दुकान पे गए
उस दुकान में नहीं मिला तो तुम दूसरी दुकान पे जाओगे, वहां नहीं मिला तो तीसरी दुकान पे कोई नहीं जाता, फिर कहता लेना ही नहीं, खत्म करो। तो इसने कहा हर दुकान पे अवेलेबल कराएंगे, तो हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल कराया, हर जनरल स्टोर पे अवेलेबल कराया, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल कराया, हर ऑनलाइन जगह अवेलेबल कराया कि भैया लेने की कमी नहीं है, तुम जहां लेना है वहां से ले लो। और 5 लाख से ज्यादा दुकानों पर आज भी अवेलेबल है। तो इनका जो पुराना नेटवर्क था उस टाइम का, वो इनके अब काम आया। अब इसके रिजल्ट क्या हुए, HUL का X जो मार्केट लीडर था उसको गिरा के ये पहुंच गया नंबर 1 20% मार्केट शेयर के साथ, यानी बिकने वाला हर पांचवा डीओ इन्हीं का होता था। इनकी सेल्स 1000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, पिछले 2020-21 का डेटा है जिसमें 1097 करोड़ के आसपास सेल थी, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 9000 करोड़। क्योंकि एक कंपनी है KKR, PE फर्म है, उसने इनकी कंपनी में 54% स्टेक लिया है 750 मिलियन के आसपास, इनकी टोटल वैल्यूएशन है 1.1 बिलियन, यानी 9000 करोड़। तो इस पूरी केस स्टडी से लर्निंग क्या है, वैसे तो आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी आपके लिए पॉइंटर्स में, पहली बात प्रोडक्ट आपका यूनिक होना चाहिए। बाजार में 100 प्रोडक्ट चल रहे हैं, तुम 101 का लॉन्च करोगे कोई नोटिस नहीं करेगा, सारा मेहनत वेस्ट है। तुम्हारा प्रोडक्ट होना चाहिए डिफरेंट। तो चाहे प्रोडक्ट की फीचर में डिफरेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट हो, मार्केटिंग में डिफरेंट हो, पोजीशनिंग में डिफरेंट हो, कहीं भी हो, होना चाहिए। तीसरा, फोकस ऑन मार्केटिंग, दिखता है तो बिकता है। तुमने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, तुम्हें मार्केट करना नहीं आता, पड़ा रह जाएगा और कोई और उसको मार्केट कर जाएगा तुमसे बेहतर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए लगा दो पर तुम्हारा प्रोडक्ट ही डब्बा है तो वैसा मार्केटिंग के पैसे भी वेस्ट है। तो मार्केटिंग से प्रोडक्ट एक बार बिकता है, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बार बार बिकेगा। तो प्रोडक्ट का बेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की केस स्टडी से ये थी मेरी 3 लर्निंग। इसके अलावा आपने और क्या क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैं इंडियन लोकल हीरो सीरीज में एक वीडियो और लिख के आएंगे। वीडियो को दबा के शेयर करना, ये वीडियो दर्शन पटेल जी तक पहुंचनी चाहिए और उनका फोन आना चाहिए आपके भाई के पास, ठीक है।